हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पे मैंने फेयर एंड लवली ली है। आप लोगों को मालूम होगा कि ये मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है और बेहद मकबूल क्रीम है। आप लोगों को मालूम होगा इस क्रीम का अच्छी क्रीम के साथ जो है शुमार होता है, और ये क्रीम जो है आप लोग नाइट और डे दोनों में यूज़ कर सकते हो। अक्सर खवातीन तो क्या करती हैं कि मेकअप बेस के तौर पर भी इस क्रीम को यूज़ करती हैं। तो इस क्रीम से जो है हम लोग एक फार्मूला तैयार करेंगे, और वो फार्मूला जब हम बनाएंगे तो वो क्रीम जो हम रेडी करेंगे उस क्रीम से आप लोगों के स्किन पे बहुत खूबसूरत ग्लो आने वाला है और आपका रंग हमेशा हमेशा के लिए गोरा होने वाला है। यहाँ पे मैंने दो पाउच खरीदे थे फेयर एंड लवली के। 30-30 रुपीज़ के ये पाउच मिल जाते हैं, बहुत ही आराम से किसी भी सुपर मार्केट से या किसी भी शॉप से आप लोग खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ये फेयर एंड लवली खोल ली है, और इसको जो है हम लोग एक बाउल में निकालेंगे और इससे जो है हम लोग एक क्रीम तैयार करेंगे। इसके अंदर जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालेंगे उससे आपकी स्किन बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत गोरी होने वाली है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं बाहर जाना होता है, कहीं शादी में या कहीं पार्टी में या कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो हम पार्लर से महंगे महंगे जो है फेशियल करवाते हैं। तो आप लोग जब ये क्रीम लगाओगे, फेयर एंड लवली की जब क्रीम बना के लगाओगे, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी पार्लर जाने की भी, और 2 घंटे में आपका कलर जो है बहुत खूबसूरत होने वाला है। यानी कि जब भी आपको कहीं बाहर जाना है अपने चेहरे पे अप्लाई करें, 2 घंटे बाद चेहरा वॉश कर लें। दूसरा पैकेट भी मैंने खोल लिया है, तकरीबन ये पैकेट जो है मैं इसके अंदर आधा डालूंगी। तो हम बात कर रहे थे कि आप लोग जब ये क्रीम यूज़ करोगे तो आप लोगों की स्किन को बहुत खूबसूरत ग्लो आने वाला है, आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो आप लोग जो है ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ली है आर्ची, ये भी बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। आर्ची का क्या काम है, आर्ची जो है बहुत काम की चीज़ है। ये जो है हमारे चेहरे को गोरा करती है, खूबसूरत बनाती है, सन टैन को भी ख़त्म करती है, ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करती है, वाइट हेड्स को भी ख़त्म करती है। और ये क्रीम जो है मैं इसके अंदर डालूंगी और एक फार्मूला क्रीम हम लोग तैयार करेंगे, और इस क्रीम से जो है आपके चेहरे पे दाग धब्बों को भी ख़त्म करेगी और आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगी। तो इस तरीके से अब मैं आप लोगों को अंदर से भी इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके से काट लें आप लोग इसको, ये देखें इसकी अंदर से इस तरह की पैकिंग है, इस तरह का होता है। नाम इसका आर्ची है, हर जगह मिल जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग ये क्रीम ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी क्रीम है, और जब आप लोग लगाएंगे चेहरे पे तो आपका चेहरा बहुत चमकेगा। आपको लोग पूछेंगे कि आपने अपने चेहरे पे क्या लगाया है, और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और इस तरीके से इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्सिंग करें। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि जब भी कोई भी क्रीम बनाया करें तो मिक्सिंग अच्छी किया करें, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी इतनी अच्छी आपकी क्रीम तैयार होगी। अब इसको जो है ब्रश की मदद से जो है अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और बहुत आसानी से हल हो जाती है। इस तरह का इसका कलर होगा, हल्की ऑरेंज कलर की बन जाएगी आपकी क्रीम। और अब ये रेडी हो चुकी है ये क्रीम, और अभी इसे जो है हम लोग एक बाउल में निकालेंगे। दोस्तों, आप लोग जो है इसको बना के रख सकते हो, यानी कि 2-3 महीने के बना के रख लें आप लोग। इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने फ्रिज में रखना है या ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बना के रख सकते हो 2-3 महीने के लिए। बस इसे जो है किसी जार वाली बॉटल में निकालें ताकि अच्छी तरह इसका कैप आप लोग बंद करके इसको जो है अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसका लगाने का तरीका ये होगा कि रोज़ाना चेहरा अपना अच्छी तरीके से आप वॉश करें। आप लोग चाहे तो नाइट में लगाएं, चाहे तो रात में लगाएं, चाहे तो दिन में लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो मैं जो है इसको नाइट में अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पे। अच्छी तरह चेहरा वॉश करने के बाद जो है ये क्रीम जो है पूरा लेप अपने चेहरे पे आप लोग लगा लें और आप लोग सो जाएं, और सुबह उठ के किसी अच्छे साबुन से या किसी भी फेस वॉश से, जिससे भी आप लोग मुंह वॉश करते हो उसे वॉश कर लें, और आपका चेहरा बहुत चमकता दमकता हो जाएगा। और ये क्रीम आप देख सकते हो लाइट ऑरेंज कलर की ये क्रीम बनी है, और बहुत ज़बरदस्त क्रीम बनी है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, अभी मैं जो है अपने हाथों पे भी आपको लगा के दिखाऊंगी और आपको जो है इसका रिज़ल्ट बताऊंगी कि इसके रिज़ल्ट कितने अच्छे हैं।